नारायण जी शास्त्री ने ये बात अपने को बताई कि श्याम सुंदर जी करके बहुत बड़े दीवान हुए, वो रहते थे किशनगढ़ के दीवान थे और पैतृक गांव उनका इटावा था। अच्छा, तो जैसे ही वो आए उनको एक दिन रात को एक सपना आया। सपना आया तो वो तुरंत अपने गांव इटावा आए। इटावा आए और अपने जो उनका नाई था उसको बोला कि सुबह सुबह आना, मेरी हजामत करना और अपने को कहीं चलना है। तो वो 5 बजे आ गया, 5 बजे आया और उसने अपने उनकी हजामत की। बोला अपने गांव में शंकर तेली कौन है? शंकर तेली कौन है? बोले है, इधर ही रहता है। तो बोले मुझे वहां चलना है। तो वो नाई और श्याम सुंदर जी दीवान, इतने बड़े दीवान, उनके वहां कुर्ता वुर्ता पहन के बाद वहां गए और शंकर तेली को वो तो देखता रह गया कि दीवान साहब मेरे घर पे आए। बोला सर क्या है? बोले तुम्हारा कोल्हू कहाँ है? तुम जहाँ तेल जलते हो वो तुम्हारा कोल्हू कहाँ है? बोले वो रहा। वो गए वहां, बोले ये जो तुम्हारा बैल है ना, ये मुझे 14 रुपये में दे दो। उस जमाने में वो बैल आता था 4 रुपये में और वो बूढ़ा। वो बोला यार इतने पैसे मेरे को क्यों दे रहे? 14 रुपये मुझे क्यों दे रहे? बोले नहीं बेटा, तू 14 रुपये तू तेरा रखो और मुझे ये बैल। वो तो खुशी खुशी दे दिया। हाँ। और वो खुश भी हुआ कि आज मेरे साहब दीवान साहब आए, दे दिया दो बैल खरीदेगा। तो श्याम को उसको बोला तो तू नाई को बोला कि तू मेरे बैल को ले, अब मैं चलते हैं। वो चल रहे हैं थोड़ी ऊंचाई आई वहाँ पे एक शिव मंदिर था। हाँ। तो शिव मंदिर पे वो जैसे ही चढ़ते वो जैसे ही शिव मंदिर आया ना उसके सामने वो बैल आया और वहाँ पे वो बैल खत्म हो गया। ठीक है। तब जब पूछा गया ना तब उसने बोला कि रात को मुझे मेरे पिताजी सपने में आए और बोला कि तू तो दीवान बन के मजा कर रहा है और मैं कोल्हू में बैल बन के घूम रहा हूँ। ओह माय गॉड। बोले क्या हुआ? बोले मैंने शंकर तेली से 14 रुपये लिए थे और मैं दे नहीं पाया किसी कारणवश, समझो, और अभी उसके यहाँ मुझे बैल बन के उसका चुकाना पड़ रहा है। तो मुझे तुम कैसे भी है ना इससे मुक्ति कराओ। तब वो जाके वो वहाँ पे 14 रुपये उसके और तब जाके वो बैल मुक्त हुआ। तो किसी का पैसा लेना और नहीं देना, आपको चुकाना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। शांति भाई की।